हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलईडी म्यूजिक सर्किट बनाने वाले हैं। इस सर्किट में जो एलईडी ग्लो होगी, जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होगी, ठीक है, उसके अनुसार एलईडी भी ग्लो होगी। इस सर्किट में एक माइक सेंसर यूज होगा। उस माइक सेंसर का काम है, माइक सेंसर क्या करेगा, म्यूजिक को, ठीक है, साउंड वेव को डिटेक्ट करेगा और उसके अनुसार एलईडी को ग्लो करेगी। तो चलिए देखते हैं सर्किट को बनाने के लिए। तो चलिए सिंपल म्यूजिक एलईडी सर्किट बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए एक एलईडी यूज़ होगा और एक रजिस्टर यूज़ होगा क्वार्टर वाट का 56 किलो ओम का। एक ट्रांजिस्टर यूज़ होगा BC547, ठीक है, और एक माइक यूज़ होगा जो माइक का काम है साउंड को डिटेक्ट करना। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि जो मोबाइल और लैपटॉप या कोई डिवाइसेस में यूज़ होने वाले, ठीक है, साउंड को रिकॉर्ड करना, और जनरली होम ऑटोमेशन में यूज़ किया जाता है माइक सेंसर को, जैसे कि क्लैंप के जरिए से आउटपुट को ऑन ऑफ करना हो या फिर वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, साउंड को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर माइक सेंसर का यूज़ में किया जाता है। डेफिनेटली अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो माइक का सेंसर का बहुत सारे एप्लीकेशन में उसका यूज़ होता है, ठीक है। सर्किट को वर्क करने के लिए 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई की रिक्वायर्ड होगी, तो आप बैटरी या कोई DC सोर्स के जरिए से दे सकते हैं, ठीक है, और कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी सर्किट कनेक्शन करने के लिए, और एक ब्रेडबोर्ड जिसमें सारा कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार सर्किट को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट को वर्क करने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई दिए हुए हैं, फिर उसके बाद BC547 ट्रांजिस्टर के बेस से 56 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं और ट्रांजिस्टर के अमीटर से माइक के फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किए हैं। माइक में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, ठीक है, तो माइक का जो फर्स्ट टर्मिनल अमीटर से कनेक्ट हुआ है और डायरेक्ट वो होते हुए 5 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, जिसको ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक के सेकेंड टर्मिनल से होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट हुआ है, जहाँ पर 56 किलो ओम का रेजिस्टर आपस में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है 56 किलो ओम के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट होते हुए DC सप्लाई के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन है। तो चलिए सर्किट बनाते हैं ब्रेडबोर्ड में। तो सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट को रेडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले BC547 ट्रांजिस्टर को ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका, ठीक है, BC547 ट्रांजिस्टर का जो पिन है वो इस कुछ इस प्रकार है, अमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीका से आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर, ठीक, कनेक्ट करता हूँ मैं ब्रेडबोर्ड में। तो इस तरीका से आपको इसको कनेक्शन कर देना है, ये हो गई, ठीक है। इस तरीका से इसको सेपरेट कनेक्शन कर देना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके जो बेस है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस से 56 किलो ओम के रेजिस्टर को कनेक्ट कर देना है और इससे होते हुए माइक के सेकंड टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है बेस से, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 56K का रजिस्टर लेता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ मैं ट्रांजिस्टर के बेस से, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये, ठीक है, बेस से कनेक्ट हो गई, ठीक है, बेस से कनेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे, अब इसी बेस से हम लोग को माइक के सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट करना है। तो चलिए सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा माइक है, ठीक है, मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया 2 वायर के जरिए से, ठीक है, आपको इस तरीके से करना है आपको। तो चलिए मैं क्या करूँगा, इस माइक के, मतलब ये माइक हो गया, ठीक है, एक टर्मिनल इस प्रकार से कनेक्शन है ये आपका। तो मैं क्या करूँगा, इस कनेक्शन को, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दूंगा जहाँ से 56 किलो एम का रजिस्टर कनेक्ट हुआ है। तो चलिए मैं करता हूँ, बेस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये है हमारा ये ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ठीक है, ये देखो मैंने कर दिया, ये देखो मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये देखो इस तरीके का कनेक्शन कर देना है माइक का जो सेकेंड टर्मिनल को। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो ये माइक का जो सेकेंड वायर है, ठीक है, उसका जो सेकेंड टर्मिनल, मतलब ये वाला सेकेंड टर्मिनल, इसको ट्रांजिस्टर के मीटर से कनेक्ट कर देना है। तो चलो ट्रांजिस्टर के मीटर से कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये वाला क्या होगा, ये वाला अमीटर होगा। तो मैंने अमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमारा माइक ट्रांजिस्टर के अमीटर से कनेक्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गई, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गई और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये मिस्टेक है, ये होगा आपका, मैंने सर्किट कनेक्शन गलत कर दिया है। ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सिम्बॉल ये रॉन्ग है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ये रॉन्ग कनेक्शन है इसका, जो सिम्बॉल रॉन्ग है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल को रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखो मेरे पास है, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गए और ये इस प्रकार, ठीक है, ये देखो, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखो मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाला जो सेक्शन है ये नेगेटिव टर्मिनल एलईडी का, ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 56 किलो ओम का रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट हो गई है, अगर सर्किट में देखोगे तो, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन करना है। अब क्या करेंगे, अब जो ट्रांजिस्टर के जो अमीटर है, ठीक है, जिसमें सेकेंड माइक का जो फर्स्ट टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, वहाँ से कनेक्ट होकर ये डीसी पावर सप्लाई का 5 वोल्ट के, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वायर लेते हैं और इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं अमीटर को डायरेक्ट, ठीक है। तो ये अमीटर को हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया, ये हो गई, ठीक है, अमीटर से कनेक्ट कर दिए। अब इसी प्रकार हम लोग को सेम क्या करना है, जो हमारा 56 किलो ओम रजिस्टर का जो सेकेंड टर्मिनल और एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट होते हुए ये डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो हम लोग भी इसको कनेक्शन कर देते हैं, एक वायर लेते हैं। अब इस वायर से क्या करेंगे, उसके एलईडी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल वाले से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गई, ये देखो, ये हमने कर दिया, कनेक्शन कर दिए, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हुआ, कनेक्शन इसका। अब क्या करेंगे, सारा कनेक्शन चेक कर लेना है, अगर क्रॉस कनेक्शन करने के बाद सारा चीज़ ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ और ग्राउंड टर्मिनल को सर्किट के ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, पावर सप्लाई देने के लिए। तो चलिए सर्किट को रन करते हैं। तो मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, अब चलिए चालू करके देखते हैं। मैं मोबाइल के, ठीक है, रिंग टोन से प्ले करता हूँ, जिससे कि वो सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑन चालू करता हूँ, हाँ, तो सर्किट बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सर्किट के साथ। थैंक यू।